मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी और सपा कैंडिडेट मीरा यादव के नामांकन निरस्त होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रमुख जीतू पटवारी काफी नाराज हैं। दीप नारायण यादव की पत्नी मीरा यादव के पर्चे पर कमी निकालकर उसे निरस्त कर देने के निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर दोनों नेताओं ने नाराजगी जताई और इस मामले में हाईकोर्ट से लेकर निर्वाचन आयोग के उच्च कार्यालयों तक जाने की चेतावनी भी दी। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि वे खजुराहो लोकसभा सीट को खाली नहीं छोड़ेंगे। इस मुद्दे पर सबसे पहले जान लीजिए कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से खजुराहो सीट का ये मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया क्यों? ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। भाजपा बात में ही नहीं काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी है। इस घटना की न्यायिक जांच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। अखिलेश यादव के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे पर खुलकर नाराजगी व्यक्त की है। अखिलेश यादव के साथ जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे पर वही राग अलापा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सपा की तरह वे भी मानते हैं कि भाजपा के निर्देश पर कुछ गड़बड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एक किसी भी प्रत्याशी को अपना समर्थन देगा। सुनिए जीतू पटवारी ने भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर क्या कहा। मैदान छोड़ने की तो दूर दूर तक बात नहीं हो सकती, 100% कानून के तहत लड़ाई है वो जारी रहेगी। यही अखिलेश यादव जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बयान दिया है, यही प्रत्याशी ने अपना बयान दिया है। कानून के हिसाब से जो बातें संभव होगी वो तो चलती रहेगी, पर इस बीच में चुनाव होगा तो सारी गठबंधन मिलके एक प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी का कलेक्टर, मैंने कल भी बयान दिया था, 3 घंटे तक कुर्सी पे नहीं आए। जो प्रत्याशी था वही उसके प्रत्येक घर से वीडियो भी है और उसका वो सब हम जैसे कोर्ट में ले जाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। उसके लिए इंडिया गठबंधन ने जो समाजवादी पार्टी को जो 12 बजे जारी के प्रत्याशी और उनकी पत्नी वहाँ कांग्रेस के और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर ऑफिस में बैठे, कलेक्टर 3 घंटे तक आया ही नहीं। निर्वाचन अधिकारी होता है जिला निर्वाचन अधिकारी, संसदीय निर्वाचन अधिकारी, ये बात तो मैं खुद साक्षी हूँ। मैंने कलेक्टर को मेरे रिकॉर्ड में देख लिया, 10 बार फोन लगाया, मैसेज किए, मेरा फोन उठाया। एक पार्टी के विपक्ष के का नेता के प्रदेश अध्यक्ष का उन्होंने फोन उठाया, अनुपम राजन जो जिला निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के हैं उनसे मेरी बात हुई, स्टेट के हैं उनसे मेरी बात हुई। तब जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा सर ये साइन नहीं है और ऐसी शिकायत वहां से आई है, पर चूंकि कलेक्टर वहां बैठ जाएंगे तो वो साइन हो सकती है, इसमें कोई चूक नहीं, ये मुख्य उनकी और हमारी बात हुई मो फोन। तो अगर कोई गलती थी तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जो कमी है उसको पूरी करना। लोकतंत्र का मूल विचार क्या है, ये कहता है कि अगर फॉर्म में कमी है तो दूर करना। 3 घंटे बैठे थे, लगातार बैठे थे मीडिया रोमन में, तो ये कहना कि जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी का एजेंट बन गया यही तो लड़ाई है। जो कलेक्टर है वो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वहां के प्रत्याशी है, उनका नौकर है, उनका सर्वेंट है, व्यक्ति का सर है। जो वो कलेक्टर अपना धर्म नहीं निभा, वो कलेक्टर निर्वाचन के जो संविधान की शपथ ली उसको नहीं निभा, और इस तरह के कुकृत्य करके बचने के लिए इस तरह की बातें पब्लिक में फैला रहा है, मीडिया में फैला रहा है, यही तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और इसी के अगेंस्ट तो गठबंधन की एकता है,